हेलो फ्रेंड्स, ये कार्तिक जी हैं एंड इन्होंने अभी न्यू टाटा टियागो गाड़ी ली थी। इन्होंने बेस मॉडल से एक ऊपर वाला मॉडल लिया है और ये मेरे पास आए थे अपनी गाड़ी के ऑडियो सिस्टम के अपग्रेड के लिए। वो तो टाटा टियागो में बेसिकली हरमन गार्डन का इनबिल्ट सिस्टम आता लगा हुआ, बट इनको वो ज़्यादा पसंद नहीं आया था तो ये आफ्टर मार्केट सिस्टम लगाना चाहते थे। तो इन्होंने सारा का सारा जो ये चाहते थे कि सारा का सारा सेटअप हम ही करें एंड अपनी मर्ज़ी से इन्होंने हम पे सारा कुछ छोड़ दिया था कि सर जो आपको बेस्ट लगता है वो कीजिए एंड इन्होंने हमें एक बजट लिमिट दे दी थी कि इतना मेरा बजट है, इसमें जो बेस्ट हो सकता है वो कर दीजिए। तो ये जो डोर्स हैं, इसके चारों डोर्स गाड़ी के आप देख सकते हैं, इनके अंदर CTK की डैम्पिंग हुई है अंदरली तरफ एंड जो बाहर की तरफ हुई है वो हुई है वाइब्रोमैक्स। एंड इसके अंदर फ्रंट में लगे हुए हैं रिबल के मेड्स एक पेयर एंड जो रियर डोर है उसके अंदर लगे हैं रिबल के कोएक्सियल्स एंड फ्रंट में जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर पाइनियर के TS20 दो ट्विटर्स लगे हुए हैं एंड इसके अंदर जो हेड यूनिट है वो है पाइनियर का 709BT एंड इसके अंदर जो 4-चैनल एम्प है जिससे ट्विटर्स एंड स्पीकर्स चल रहे हैं, दैट एम्पलीफायर इज सोनी GS4 एंड सबवूफर इसमें हमने लगाया है रेबल ऑडियो का DS12D4। इसका बूट खोलना एक बार। ये सबवूफर है DS12D4, ये 400 RMS का सबवूफर है एंड ये चल रहा है साउंड बैरियर के 725 HP से जो 4-चैनल एम्पलीफायर है एंड ये जो बॉक्स है कस्टम ट्यून्ड है ये 36 Hz पे एंड जो वायरिंग है प्रॉपर कॉपर की वायरिंग हुई है इसमें, दोनों एम्प्स में 4 गेज की वायरिंग है प्योर कॉपर की एंड इंस्टॉलेशन जो है आपको कोई वायर नहीं कहीं दिखेगी, कोई आपको ऐसा चालू काम नहीं नज़र आएगा, प्रॉपर कॉपर के क्रिम थिम्बल्स हैं एंड प्योर कॉपर की वायर्स हैं। अब आप लोग वायरिंग देख सकते हैं इस गाड़ी की एंड एम्प्स की लोकेशन देख सकते हैं। एम्प्स को हमने सीट के नीचे रखा है क्योंकि बूट स्पेस इन्होंने यूज़ करना था। उधर से आके आपको GS4 के का भी दिखाते हैं, उधर से देख। तो दोस्तों, इसमें जो स्पीकर्स हैं एंड ट्विटर्स हैं वो चल रहे हैं सोनी के हाई रेजोल्यूशन एम्पलीफायर पे GS4 पे एंड उसकी जो हमने वायरिंग भी है वो हमने अपोजिट साइड में की है ताकि पैरों में वायरिंग वगैरह बिल्कुल ना आए एंड बिल्कुल बाहर नहीं निकली हुई है, बिल्कुल प्रॉपर वायरिंग है आप लोग देख सकते हैं। एंड एम्प का जो फुटप्रिंट है, जो साइज़ है वो भी बहुत छोटा है एंड किसी भी लोकेशन में इस एम्प को हम फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको एक बार इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट दिखाते हैं स्पीकर्स का भी एंड आपको इसका सबवूफर का भी दिखाते हैं कि इसके सबवूफर का ऑडियो कैसा है। तो फ्रेंड्स, देखिए ये जो गाड़ी है इसके इंस्टॉलेशन के अंदर मेरे हिसाब से तो हम तो ज़्यादा सोच रहे थे कि ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इस गाड़ी के इंस्टॉलेशन के अंदर टोटल 2 दिन लगे। फर्स्ट डे तो सारा डैम्पिंग हुई, वायरिंग हुई एंड सेकंड डे हमने इसके अंदर स्पीकर्स इंस्टॉल किए, स्टीरियो लगाया, सबवूफर लगाया एंड सारी ट्यूनिंग वगैरह की इसकी। तो टोटल ही सेटअप को होने के अंदर अगर आप प्रॉपर सेटअप चाहते हैं तो इसमें 2 दिन लगे क्योंकि जल्दबाजी वाला काम कोई नहीं हुआ। एंड चलिए दोस्तों, अब आपको मैं इसके स्पीकर्स जो इसका जो साउंड है वो सुनाता हूँ एंड इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो की है कबीर ने एंड कबीर सेम द वाइट सेंटर हो गए। तो आप इंस्टॉलेशन में अभी इसका जुनून इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये अब सुनने के बाद इंस्टॉलेशन भी इसने शुरू कर दिया एंड बहुत अच्छा काम किया इसने, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम। एंड चलिए इसका अब आपको ऑडियो क्वालिटी सुनाते हैं दोस्तों। इसमें देखिए अभी हमने सबवूफर ऐड कर दिया है तो अभी हमने इसकी जो स्पीकर्स का जो फ्रिक्वेंसी कट ऑफ है वो हमने लिया है 125 Hz पे ताकि जब हम बेस को ज़्यादा बढ़ाएं तो स्पीकर का बेस ना फटे। हमने इसका सेटिंग ऐसा किया है कि अगर आप जो इसकी टोटल वॉल्यूम है वो 62 की एंड ऑडियो सेटिंग हमने इसकी की है 40 पे एंड 40 पे जब आप करेंगे तो जो इसकी वोकल है एंड जो उसका बेस है वो बिल्कुल मैच होगा, आवाज़ बिल्कुल नहीं फटेगी एंड आपको बहुत अच्छी सुनाई देगी। तो चलिए अब मैं आपको कोई न्यू सॉन्ग नहीं सुनाता, पहले मैं आपको ओल्ड इज़ गोल्ड जो लता जी हैं, आशा जी हैं, इनके आपको सॉन्ग सुनाता हूँ थोड़े से। आप गाड़ी में देखिए कि आपको कैसा साउंड लग रहा है, ठीक है? आप लोग कमेंट करना।
से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन, जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन, जब से तुमको चाहा है सनम, आप बताइए आपकी आपको आउटपुट कैसा लगा? आउटपुट तो यार क्या बताएं, 70-80 हज़ार के सेटअप तो फेल है इसके आगे। जो बार बोलते हैं ना बड़े बड़े कंपनी वाले, ये वो शोरूम वाले, फेल है भाई इसके आगे 70-80 हज़ार वाला भी। मतलब आप पूरे सेटिस्फाइड हो हमारे काम से? 50% लगा लो, 50% लगा होगा, इतनी कॉस्ट लगी है टोटल में। मगर आप कंपेयर करके आ जाना, जब भी पंचकूला रहता हूँ मैं, जब मर्जी फोन कर देना भाई को, मिल जाएंगे। ठीक है, कर लेना। बाकी इंस्टॉलेशन से आप पूरा सेटिस्फाइड? सर बहुत बढ़िया है जिसने भी किया। और एक जो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये शोरूम वाले बोलते हैं TS20 बेकार है, टिटर करते हैं, मेरी गाड़ी में आके सुनो, मुंह ना बंद करवा दिया इनका तो बात करना आप। बाकी आप इंस्टॉलेशन से पूरा सेटिस्फाइड? जिसने करी है पूरी, जिसने करी है उसने, कोई ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी के बिना कुछ करो भाई।
बाहर तो भैया ट्यूनिंग भी नहीं सही से करके देते, पता नहीं क्या करके देते हैं। आप गाड़ी का एक बार डेमो जरूर लो, और ट्यूनिंग मास्टर हमारे पीछे बैठे हैं, दिखाओ जरा इनको। ये लीजिए, ये हमारे ट्यूनिंग मास्टर जी, बहुत ही खतरनाक ट्यूनिंग करते हैं भैया। फेल है भैया सारे आगे मार्केट में जो भी चल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं डींगड़ा फलाना। TS20 आपके सामने लगे हैं, देख लो उसके परफॉर्मेंस, आपको वीडियो में पता चल जाएगी। और बिल्कुल भी TS20 जो है, यूजुअली अगर आप इनको सुनोगे तो बहुत ही हार्श साउंड करते हैं, बट इस गाड़ी में ऐसे हमने ट्यून किए हैं कि आपको बिल्कुल भी हार्श नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि आपके कानों को खा रहे हैं, बहुत ही सूदिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ट्विटर्स एंड ट्रेबल, ऐसा लगता है जैसे गाड़ी के ऊपर फ्लोट कर रही है।